तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने अपना रुख बदल लिया है और साथ ही पहाड़ों में जमकर बारिश हो रही है। एक बार फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश के सोलन से किन्नौर और शिमला से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोलन की अर्की, किन्नौर और शिमला में जमकर मेघ बरसे हैं। ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौसम जो है बेहद खराब बना हुआ है। जगह जगह पर बारिश हो रही है। भूस्खलन का खतरा भी ऐसे में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हाल फिलहाल किन्नौर में जो हुआ उसके बाद अब जो भयावह तस्वीर देखने को मिली भारी बारिश और खराब मौसम के चलते, अब ये संभावना जो है ज्यादातर पहाड़ों पर बनी रहती है। और फिलहाल प्रदेश में मौसम कैसा बना हुआ है, जो मौसम विभाग ने जानकारी दी थी, जो अलर्ट जारी किया था, वो कितना सही साबित हुआ है वो भी हम जानेंगे। मनाली से कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनुप धीमान हमारे साथ कांगड़ा से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। फिलहाल सबसे पहले अनुप, हम चाहेंगे कि वहां का मौसम आप जरूर दिखाएं हमारे दर्शकों को, कैसा वहां पर बना हुआ है और रेड अलर्ट भी कई जगहों के लिए जारी किया गया है, तो फिलहाल मौसम वहां पर कैसा बना हुआ है ये दिखाएं सबसे पहले। बिल्कुल अंजलि, जिला कांगड़ा की मैं बात करूं तो रेड अलर्ट जिला कांगड़ा के लिए जारी। मेरे पीछे की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो मेरे पीछे आप बिल्कुल देख सकते हैं, अभी बादल छाए हुए हैं क्योंकि देर रात से लगातार बारिश हो रही थी। अभी कुछ देर पहले जो है वो बारिश जो है वो यहाँ पर रुकी है, बारिश रुकी है और अभी थोड़ा सा मौसम हल्का से, लेकिन जिस तरह से बादल अभी पीछे आप देख सकते हैं छाए हुए हैं, मुझे लगता है कि कुछ ही देर में फिर से एक बार जो है वो बारिश जो है कुछ देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जिला कांगड़ा के लिए रेड अलर्ट जो है जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने, जिलाधीश जो है डॉक्टर निपुण जिंदल, उन्होंने कल ही सारे अधिकारियों को सचेत कर दिया है, सबको अलर्ट पर कर दिया है, सभी डिपार्टमेंट्स को अलर्ट पे रखा है। और जिला कांगड़ा में अभी की बात करूं तो मैं जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर भी कल सर्कुलेट किया गया है, एक बार फिर से 1077 जिला कांगड़ा का रहेगा। और पालमपुर उपमंडल की बात करूं तो 01894305 95, ये नंबर जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं और इसमें लगातार जो कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं वहां पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज और कल जो है वो जिला कांगड़ा के लिए बहुत अहम है। दो दिन का जो रेड अलर्ट है उसके चलते जिला प्रशासन ने खासकर पर्यटकों के साथ साथ जो लोकल लोग, स्थानीय लोग हैं, उनको खासकर चेतावनी जारी कर दी है कि किसी भी तरह जो नदी नाले हैं उनके समीप ना जाएं, क्योंकि भारी से भारी बारिश जो है वो इन दो दिनों में हो सकती है। और ये मौसम जो है वो क्योंकि अभी बरसात का मौसम है तो आगे भी इस तरह की चेतावनी आती रहेंगी, लेकिन अभी ये दो दिन जो है वो बहुत अहम जो जिला कांगड़ा के लिए देखे जा रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल। और अभी जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कमलेश, क्योंकि मौसम जो है वो बेहद खराब बना हुआ है। हम चाहेंगे सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप मनाली का मौसम जो है वो भी दिखाएं और साथ ही बताएं कि फिलहाल पर्यटकों को लेकर क्या क्या कुछ गाइडलाइंस जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। हाँ अंजलि, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ की ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए जिस तरह से जो रेड अलर्ट जो पूरे प्रदेश के जो अधिकतर जिलों में जो मौसम विभाग ने जारी किया है उसको मद्देनजर जो है आपको अभी की ताजा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा मैं मनाली की। देखिए चारों तरफ जो है घने बादल छाए हुए हैं और धुंध छाई हुई है और साथ में अंजलि आज सुबह से ही जो है बारिश जो है शुरू हो गई है। धीरे धीरे जो है बारिश का दौर जो है बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से जो मौसम विभाग ने कहा है कि आज 27 और 28 तारीख को जो प्रदेश के जो 10 जिलों के लिए जो है रेड अलर्ट घोषित किया है और उसके बाद जो है 29 तारीख को ऑरेंज है और 30 तारीख को जो है फिर से येलो अलर्ट जो है जारी किया। तो ऐसे में जो है लगातार 4 दिन तक जो है बेहद ही हिमाचल वासियों को जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। और दूसरी तरफ जिस तरह से आपने पर्यटकों का जिक्र किया, पर्यटक जो है इस समय जो है 5 से 10% खाली रह गए हैं अंजलि, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो भूस्खलन, लैंडस्लाइड की जो घटनाएं जो हिमाचल में हुई, खासकर जो किन्नौर जिला में या जो पीछे कांगड़ा जिला में है, उसके बाद जो है पर्यटकों ने जो है पहाड़ों की ओर रुख करना बिल्कुल बंद कर दिया है। नाम मात्र 5 से 7% जो है पर्यटक जो है खाली जो है इस समय जो कुल्लू मनाली या शिमला की बात की जाए तो पूरे प्रदेश में जो है पर्यटकों का आना बेहद ही कम हो गया है। वैसे भी देखा जाए अंजलि तो ये जो जुलाई का जो आखिरी जो हफ्ता होता है इसके बाद जो है मानसून जो है प्रदेश के जो मैदानी इलाकों में वहां पे सक्रिय हो जाता है। ऐसे में वैसे भी जो है पर्यटक जो है ये जो जुलाई लास्ट या जो अगस्त का जो महीना होता है ये ऑफ सीजन माना जाता है। तो लेकिन इस बार जो है जिस तरह से जो लैंडस्लाइड की जो घटनाएं जो प्रदेश के जो कई इलाकों में देखने को मिली उसके बाद जो है पर्यटकों ने जो है बिल्कुल ही जो है पहाड़ों की ओर रुख करना जो है बंद कर दिया है।
अंजलि। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पहाड़ों पर भी लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। खराब मौसम है अनुप, क्योंकि अभी फिलहाल कांगड़ा में भी भारी बारिश के बाद बहुत ज्यादा जो तबाही का मंजर था वो देखने को मिला था। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर नदी नालों के पास रहने वाले लोगों के लिए किस तरीके से प्रशासन द्वारा व्यवस्था वहां पर की जा रही है, और अगर मौसम ऐसे ही दो तीन दिन और जारी रहता है, खराब मौसम भारी बारिश होती है, उसको लेकर प्रशासन की अभी फिलहाल के लिए क्या तैयारियां हैं, खासकर जो सुदूरवर्ती जो लोग खासकर पहाड़ों पर जो रहते हैं उनको? देखिए, खासकर मैं बात करूं कि जिस ये प्रकृति है जिससे छेड़छाड़ ना की जाए तो बेहतर रहता है। जो पहाड़ों पे लोग रहते हैं मुझे लगता है वो ज्यादा सेफ रहते हैं, क्योंकि वहां पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं है। जहां पर हमने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है वहीं पर इस तरह के जो दृश्य हैं वो देखने को मिले हैं। अभी हम पिछले की घटना की अगर जिक्र करें तो जिला प्रशासन जो है वो सभी लोगों का ध्यान रख रहा है कि जो नदी नालों के समीप लोग हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि जब इस तरह की बारिश लगातार जारी रहती है तो उनको शिफ्ट किया जाना होता है, क्योंकि जो स्थानीय स्कूल होते हैं या स्थानीय पंचायत घर होते हैं वहां पर उनको शिफ्ट किया जाता है। तो इस तरह का अगर कहीं भी कोई बात आ रही है तो उसको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो पहाड़ों पे लोग हैं वहां पर अगर किसी तरह की इस तरह की घटना सामने आती है तो वहां पर जो स्थानीय जो प्लेन एरिया है, जो नियर बाय प्लेन एरिया होता है वहां पर शिफ्ट किया जाता है। तो ये व्यवस्था है जो जिला प्रशासन द्वारा जो है वो, क्योंकि पंचायत स्तर से शुरू होती है इस तरह की व्यवस्था है, पंचायत स्तर से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ऐसा स्थान है, कौन से घर है जो खतरे की जद में है, जो खतरे की जद में है वहां से लोगों को तुरंत जो है वहां से शिफ्ट किया जाता है। साथ के साथ, क्योंकि मैं अंजलि बताना चाहूंगा, क्योंकि जिला कांगड़ा में सभी डिपार्टमेंट्स जो है, चाहे रेवेन्यू की बात करूं, पंचायतों की बात करूं, हर आदमी को अलर्ट पे रखा गया है। बिल्कुल, सभी को अलर्ट पे रहने के लिए जी बिल्कुल अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है कमलेश, क्योंकि अभी फिलहाल टूरिस्ट जो है कम संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो रास्ते हैं वो काफी ज्यादा अवरुद्ध हो रहे हैं, जो आवाजाही है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रही है, इसको लेकर क्या व्यवस्था? देखिए अंजलि, प्रशासन द्वारा जो है खासकर दो विभाग, जो पीडब्ल्यूडी विभाग है या जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग, इनको साफ निर्देश दिए गए हैं कि मौजूदा जो जिस तरह से जो रेड अलर्ट का जो चेतावनी जारी की, इसके मद्देनजर जो है तैनात जो अपनी मशीनरी होती है, खासकर जो जेसीबी या जो डोजर होते हैं, तो इनको लेके जो है पहले से ही जो है इनको कहा गया है कि जहां पे भी लैंडस्लाइड की जो जगह है, खासकर जो एरिया रहता है वहां पे जो है जो जेसीबी इस तरह की जितनी भी जो मशीनें होती है उनको लेकर तैयार रहने के लिए कहा गया है। और जिस तरह से जो कुल्लू मनाली या जो चंडीगढ़ जो मनाली जो मार्ग है, राष्ट्रीय मार्ग है, ये बार बार जो हम देखते हैं कि जिस तरह से जैसे ही बारिश शुरू होती है जो उसके बाद जो है अवरुद्ध होता है। खासकर जो मंडी से जो कुल्लू का जो एरिया है, मंडी के पास पंडो का जो एरिया है वहां पे बार बार लैंडस्लाइड होने के बाद जो है अवरुद्ध होता है। बिल्कुल, तो ऐसे रास्ते जो अवरुद्ध हो रहे हैं उन पर प्रशासन निकाय बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका और अनुप धीमान आपका इस तमाम जानकारी के लिए।